वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम एक ELSS फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि DSP म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड और ये लॉन्च हुआ था 18 जनवरी 2007 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। मिस्टर रोहित सिंघानिया और मिस्टर चरणजीत सिंह इस फंड को साथ में मैनेज करते हैं। रोहित सिंघानिया इस फंड को जुलाई 2015 से मैनेज कर रहे हैं और वहीं चरणजीत सिंह भी इस फंड को जुलाई 2015 से मैनेज कर रहे हैं। DSP ELSS टैक्स सेवर फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.72% पर एनम का। आइए अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। फ्रेंड्स, ये फंड एम करता है मीडियम और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करने का और ये ऐसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की मदद से करता है। इसके अलावा फंड इन्वेस्टर्स को एक मौका भी देता है उनकी टैक्सेबल इनकम को कम कर पाने का, जैसे की इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत अलाउड होता है। हालांकि इम्पोर्टेंट है ये नोट करना की कोई गारंटी नहीं है की फंड अपना इन्वेस्टमेंट गोल हासिल कर ही लेगा। तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से चलिए समझते हैं। इसके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में शामिल है पैसों को अलग अलग साइजेस की दोनों वेल एस्टेब्लिश्ड और आने वाली यानी कि अपकमिंग कंपनीज में डालने का। ये स्ट्रेटजी एम करती है ओवर टाइम ग्रोथ को और स्टेबिलिटी को बैलेंस कर पाने का। ये फंड दोस्तों एक ब्लेंडेड एनालिसिस यानी कि मिक्स एनालिसिस परफॉर्म करता है ग्रोथ ड्राइवर्स और वैल्यूएशन सपोर्ट का, जिससे कि ये रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस का पता लगा सके। साथ ही में 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है जो कि इन्वेस्टर्स को मौका देता है इक्विटी मार्केट्स की आने वाली पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेनिफिट उठाने का। आइए बात करते हैं ELSS फंड के कैटेगरी मिक्स की। देखिए, डिजाइन के हिसाब से ना ELSS फंड एक ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता है। सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से ELSS फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 30 नवंबर स्कीम ने अपने एसेट्स का 97.62% इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें से 62.7% है लार्ज कैप में, 25.7% मिड कैप में है, 11% है स्मॉल कैप में, वहीं 2.49% ट्रेजरी बिल्स रीपर्चेज में और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में। ये स्कीम एक काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बना करके चलता है इक्विटीज में। हालांकि जो कैश होल्डिंग है ना वो समय के साथ चेंज होती रहती है। आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग समय के साथ कैसे चेंज हुई है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, DSP ELSS टैक्स सेवर फंड की कैश होल्डिंग 12 महीने में नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक कैसे चेंज हुई। ये ग्राफ दिखाता है कि कैश होल्डिंग महीने से महीने फ्लक्चुएट हुई है और ये डिपेंड करता है फंड की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और उस वक्त की मार्केट कंडीशंस पर। जो सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग थी वो सितंबर 2023 में थी 0.4% की, वहीं सबसे कम कैश होल्डिंग फरवरी 2023 में थी -0.35% की और जो हाल फिलहाल की यानी कि लेटेस्ट कैश होल्डिंग है नवंबर 2023 की वो थी -0.11% की। फ्रेंड्स, यहाँ नेगेटिव कैश पोजीशन तब होती है जब फंड जितना ओन करता है उससे ज्यादा ओ कर रहा हो, यानी कि उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू जो वो ओन करता है। ये 2 कारणों की वजह से हो सकता है, जब सिक्योरिटीज बाय सेल करने के बीच में टाइम गैप हो और जब पैसा एक्चुअल में हैंड्स चेंज कर रहा हो। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 12,615 करोड़ का। एग्जिट लोड है निल। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.38। यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि पोर्टफोलियो की जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है ना वो उसके मैनेजर्स के द्वारा कितनी बार कितनी ऑफन बाय और सेल की जा रही हैं। तो इस फंड का PTR हमने देखा है 38% का, जो कि बताता है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है इसका वो है 80.89% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो को पिछले 1 साल में उसके पीयर्स के मुकाबले काफी कम चर्न किया है यानी कम चेंज किया है। यूं कह ले कि फंड मैनेजर ने पीयर्स के मुकाबले पिछले 1 साल में पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखा है। वेल, अब हम बात करने वाले हैं ELSS फंड कैटेगरी की। दोस्तों, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स एक टाइप का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो प्राइमरली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इन्हें अक्सर टैक्स सेविंग्स स्कीम के तरह जाना जाता है क्योंकि ये आपकी टैक्सेबल इनकम में से हर साल ₹1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको देते हैं। ये लिखा है सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर। तो ELSS फंड्स का एक कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य 3 साल का लॉक इन पीरियड होता ही है। ELSS फंड्स अपने पैसों को कई सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली से 100th रैंक वाली जो कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनीज, उनको एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पर हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज और 250th रैंक के बाद वाली कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 30 नवंबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो फैला हुआ था अक्रॉस 67 स्टॉक्स और वहीं जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 37.34% कंट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ नवंबर 2023 HDFC बैंक लिमिटेड फंड के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेटेड स्टॉक था और इसका 7.42% का एक्सपोजर था। अब अगर हम चेक करें मई 2023 के लिए तो टॉप 5 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी, जो इसके कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी साफ है ही। अगर हम HDFC बैंक लिमिटेड को देखें तो हम कह सकते हैं कि फंड पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग्स कम हुई है। नवंबर 2022 में ये थी 9.32% की, वही नवंबर 2023 में हो गई 7.42%, घट गई। अब अगर बात कर लें ICICI बैंक लिमिटेड की तो फंड पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग्स भी कम हुई है। नवंबर 2022 में 8.54% थी और नवंबर 2023 में घट के 6.10% पे आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक लिमिटेड को देखें तो भी इनकी फंड पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स इस पीरियड के दौरान कम हुई है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पे आए तो फंड पोर्टफोलियो में इनकी होल्डिंग्स बढ़ी है। नवंबर 2022 में ये थी 2.04% की, नवंबर 2023 में बढ़ के हो गई 3.17%। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। एज ऑफ नवंबर 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे बैंक्स एट 22.78%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एट 9.51%, IT सॉफ्टवेयर 9.15%, फाइनेंस 8.29%, ऑटोमोबाइल्स 5.73%। अगर आप मई 2023 के लिए फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे, जो इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी साफ समझ में आता ही है। इसके अलावा अगर आप नवंबर 2022 महीने के लिए फंड सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स सेम ही थे। वेल, मूविंग फॉरवर्ड अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। DSP ELSS टैक्स सेवर फंड को एक वेरी हाई, बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैटेगराइज किया गया है क्योंकि इसका जो फोकस है वो स्टॉक्स पे होता है और हमें पता ही है कि स्टॉक्स काफी इनहेरेंटली वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। हो सकता है ये फंड आपको वैसे रिटर्न्स ना दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, और रिटर्न्स काफी इधर उधर यानी कि वेरी हो सकते हैं। तो आपको स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त काफी धैर्य रखना होगा और एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। इससे आपको स्टॉक मार्केट में हो रहे अप्स और डाउन्स से डील करने में काफी मदद मिल जाएगी। और इसके पहले कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको समझना जरूरी है कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं और आप अपने इस इन्वेस्टमेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो अगर आपने DSP ELSS टैक्स सेवर प्लान, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके स्टार्टिंग से ही, इंसेप्शन से ₹1 लाख इन्वेस्ट कर देते तो आपको अराउंड 5.23 लाख रुपीस मिल जाते हैं। इस स्कीम ने अपनी शुरुआत से ही 18.01% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके अलावा इस फंड ने लास्ट 3 सालों में 23.3% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हो। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न ने स्कीम में जो रिस्क शामिल है उसको जस्टिफाई कर ही दिया है। वेल, अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को तो देख लिया, आइए साथ ही साथ इसने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया इस पे भी नजर डाल लिया जाए। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, DSP ELSS टैक्स सेवर फंड ने कम वक्त में यानी शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है और लॉन्ग टर्म में भी। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने CAGR दिया 17.7% का अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने दिया 15.83% का। अगर हम 1 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने दिया 17.25% का CAGR, वहीं बेंचमार्क ने दिया 13.84% का। फंड ने 3 सालों में 20 ने 2.09% का CAGR दिया अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 20.04% का दिया। फंड ने अपनी शुरुआत से ही बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया हुआ है। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, आइए देख लेते हैं कि इसने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फंड अपने पीयर्स को लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों में ही आउट परफॉर्म कर पाया है। जी हाँ, फंड की जो रैंकिंग रही है वो थी एज हाई एज 5th 5 साल के पीरियड में और 10th 3 साल के पीरियड में। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्रिटिकल रेशियोज की चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स ना आपकी वेल्थ को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम, एक टूल साबित हो सकता है। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि ये भी कुछ रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क का पता लगाना उसकी इन्वेस्टमेंट की वर्दीनेस के पता लगाने का एक अहम स्टेप होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर कर पाने का कि एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। अब कई रेशियोज होते हैं जो हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का पता लगाने में काफी मददगार साबित होते हैं। उनमें से कुछ रेशियोज की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है। ये रिस्क को पता लगाने का एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है। जी हाँ, डीएसपी ELSS टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.47% का है। बात करते हैं सेकंड, बीटा की। तो बीटा वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस फंड के रिस्क को मेजर करता है। अब एक से कम बीटा वाले फंड मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्क वाले माने जाते हैं। डीएसपी ELSS टैक्स सेवर फंड का बीटा 0.93 है, जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। हमारा तीसरा रेशियो है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा निकलने वाले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए रिस्क की एक यूनिट के बदले इसने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे डीएसपी ELSS टैक्स सेवर फंड का शार्प रेशियो 1.3 का है, व्हिच मींस कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.3 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंक्लूजन पे अब आ चुके हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि डीएसपी ELSS टैक्स सेवर फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इस फंड का इसके पीयर्स के मुकाबले एक कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इसके अलावा फंड ने बोथ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। हालांकि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये फंड एक बहुत हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल होता है और इसे आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें उसके पहले रिस्क टॉलरेंस को आप जरूर नाप लें। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा सूट करेगा जिनका एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका खुद का हायर रिस्क टॉलरेंस भी हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलेगा। साथ ही इसे अपने नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange-traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to Exchange Investor Redressal Forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।